वन बाय वन। रावत जी। देखिए अभी इन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्ष। प्रतीक जी एक चीज बताइए, जब देश गुलाम था क्या उस समय धर्म निरपेक्ष था? क्या उस समय मुगल जब थे धर्म निरपेक्ष था? उस समय भी हमारा जो देश था वो सनातनी था और अनादिकाल से सनातन है, और इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी सनातनी है और उससे बांग्लादेश भी सनातनी है। ये सब सनातन के हिस्से हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी कमी हुई और हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए। जी सनातन, लोगों ने पूछा सनातन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? नहीं, चलो अच्छा तुम बताओ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, सनातन के बारे में बोलना चाहती है और मुझे लगेगा कि बिल्कुल बोलने का इसको चांस मिलना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? सर अवनी। अवनी बोलिए, सनातन का मतलब क्या हुआ? सर सनातन मतलब जो आदि काल से चले आ रहा है, जिसका आदि है ना अंत है। दी इटर्नल लॉ सर। वेरी गुड, जिसका आदि है ना अंत है। लेकिन एक अथर्ववेद की एक ऋचा है, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हे प्रभु आनंददाता, अगर मैं सनातन के 10 अध्याय पढ़ दूं उसमें जो क्या है। रुको रुको, तुम्हारे सबके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। सनातन के मूल तत्व हैं सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, तप, यम, नियम, सब आता, सब में आता। इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही है, सबसे ज्यादा धैर्य के साथ खड़े रहो, तुम्हारे लिए धैर्य। तो सनातन वो हुआ जिसका आदि है ना अंत है, लेकिन अथर्ववेद की ऋचा है वो कहती है कि जो पुनर्नवा एक जड़ी बूटी भी होती है, आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, जो नित्य नवीन हो रही है, जो नित्य नवीन है। इतना परिकल्पना सनातन की देखिए कि जो नवीनता के साथ जुड़ता जाए। हम हैं अनादि लेकिन हम नवीनता के लिए खुले हैं दरवाजे, ये है सनातन। लेकिन सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, बहस यहां रुकी है और इसी पे चल रही है। मैं आया, समाजवादी पार्टी जरूर बोलेगी, समाजवादी पार्टी के बगैर तो बहस पूरी ही नहीं। आपके तो सांसद जी ने बयान भी दिया, मैं आ रहा हूं, मौलाना पहले बोलेंगे। जी पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम, इस्लाम। एक मिनट सर, वहां हम भैया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। रावत जी हमें प्रोग्राम करना है और जो जितनी समझ उसी हिसाब से चलेंगे। जी सनातन भी है, उसका अर्थ तो आ गया ना सामने। हाँ। सनातन तो है ही, पूरी दुनिया का धर्म है और होना भी चाहिए, यह प्रकृति का नियम है। समझते रहिए, समझने वाले जिस अंदाज में समझ रहे हैं वो समझें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है और वहाँ भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, बौद्धिस्ट रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, तो अगर भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन हो जाएगा तो ये कैसे मान लिया गया कि सनातन धर्म अगर राष्ट्रीय धर्म होगा तो यहाँ मुसलमान नहीं रहेंगे, सिख नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे? ये बात तो मतलब हुआ कि मन से हमने उपज लिया कि अगर योगी जी ने ये कह दिया है तो अब तो इस्लाम भी गया, क्रिश्चियनिटी भी गई, सिखिज्म भी गया, बौद्धिस्ट भी गया, जैनिज्म भी गया। ये परिकल्पना है, राजनेताओं को करना भी चाहिए, उनको शब्द मिलेगा तभी तो मार्केट में जाएंगे। मौलाना गजब, बिल्कुल एकदम सही जगह फिक्स मारा है तुमने। ये वैसे कोई बहस है नहीं, और जो समझ तुम्हारी है वो तो बहुत वृहद है, विस्तृत है, बहस है नहीं। मुद्दा कहाँ फंसा है तुमने, वहीं पे गियर दबाया है, ब्रेक वहीं लगाया है। मुद्दा ही असल है, ये मुद्दा ही है। विपक्ष को भी मुद्दा मिलना चाहिए, पक्ष को भी मुद्दा मिलना चाहिए, पत्रकारों को भी चाहिए, पत्रकारों को भी मुद्दा मिलना चाहिए, वरना कौन आएगा बहस में? हिंदू मुसलमान सनातन धर्म, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, यही सब चलाओ। हर हर महादेव। मैंने हर हर महादेव, लेकिन मैंने एक सवाल रखा था बंधु। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज राय सर। मैं क्या काम करते हैं आप? सर मैं हमारा जो ब्रेड का काम है सर। ब्रेड का? जी मैं ब्रेड के ऊपर के, हाँ जी यूपी बनारस से हूँ सर। हाँ मैं ब्रेड के ऊपर जो जैम लगता है ना उसकी बात करता हूँ। एक जागृत राष्ट्र के सामने प्रश्न क्या होने चाहिए, ध्यान रखना, तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि तुमने क्या रखा। जी मैं आया। जी मौलाना पूरा कंप्लीटेड। हाँ। दो लाइन मैं और बोलना चाह रहा था इसमें एडिशनल, के मुद्दे तो बहरहाल हैं, होने चाहिए, और ये बिल्कुल संदेह न किया जाए। जो लोग भी मुस्लिम लीडर हों या दूसरे और धर्म के जो धार्मिक नेता हैं, अगर इसको नकारात्मक प्रचार के रूप में ले रहे हैं तो उनको ये जानना जरूरी है। अभी रावत जी ने एक बात कही थी, यहाँ मुगल आए,
ऐबक आए, तुगलक आए, बलबन आए, खिलजी आए, ब्रिटिश आए, धर्म तो तब भी कोई संकट में नहीं आया, सनातन तब भी था। आज जब कोई नहीं है, लोकतंत्र है, तो ये कहने का अधिकार भी नहीं है कि सनातन धर्म ही जो है राष्ट्रीय धर्म। मौलाना मौलाना सवाल सवाल मौलाना। हाँ गुरु जी। हाँ जी ढूंढ के लाए जी। हाँ ढूंढ के लाए मौलाना।